हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हमने क्या बनाया है, लौकी की लौज एंड हलवा। लौकी का हलवा बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी बनता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लौकी है, इसे आगे एंड पीछे का पार्ट कट करके हमें छील लेनी है। यूपी के हर घर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे ये लौकी की बर्फी, हलवा, ये भोग के लिए हर घर में बनता है। बहुत ही मतलब फेमस है ये चीज। इसे हमने चार पीस में कट करके इसके बीज निकाल लेने हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आता अगर बहुत ज्यादा बीज होते हैं तो। कुछ इस तरह देखिए, अब हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। हमें निचोड़ लेना है हाथों से, अगर आप चाहें तो कॉटन के कपड़े से इसे निचोड़ सकते हैं। कुछ इस तरह देखिए, हमने कढ़ाई ली है, ऐड किया इसमें देसी घी। ऐड किया है बादाम, हल्का सा फ्राई करके एंड निकाल लेना है। मेरे पापा को ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पसंद था। दो दिन पहले ही लौकी वगैरह घर में ला के रख देते थे, मेरी मम्मी बनाती थी बचपन में, बहुत ही अच्छा लगता था। बहुत ही धूमधाम से मनाने वाला फेस्टिवल है ये, बहुत ही उमंग के साथ सभी मनाते हैं। सेम वही काजू लिए हैं, उन्हें भी फ्राई कर लेना है। कर लेना है, इसी कढ़ाई में हमें लौकी को फ्राई करना है घी के साथ, इसका पानी हल्का सा, जब तक जल नहीं जाता। अगर आपके घर में किसी को भी लौकी पसंद नहीं है तो एक बार इस तरह से आप बना के जरूर उनको खिलाइएगा, दोबारा बोल के बनवाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 1 kg ये लौकी थी, तो 1/2 kg हमने चीनी ऐड की है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हमने लौकी की बर्फी की वीडियो पिछले साल डाली है, अगर आप चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये हरी इलायची है जो हमने कूट के खोल के ऐड किया है, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ऐड किए हैं खरबूजे के बीज। आप इस टाइम पे जब आपको जो पसंद है वो आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ये नारियल है कसा हुआ, हमने वो ऐड किया है। अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेना है। ये होममेड मावा है, ऐड किया है हमने। आप चाहे तो मार्केट का मावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भोग के लिए बहुत ही मतलब मजेदार बन के रेडी होती है। हमने जो स्टार्टिंग में बादाम एंड काजू फ्राई किए हैं तो वो ऐड किए हैं। बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी, देखिए लौकी की लौज एंड बर्फ हलवा बन के रेडी है। आप सभी को दिल से हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, एंजॉय। ऐड किया है हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो बचाए हुए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।